बहुत कुछ नज़ारा है भैया, लेक व्यू का जो नज़ारा है ये भी बहुत खूबसूरत है ना। यहाँ का माहौल सही है, अच्छा खूबसूरत, सही मज़ा आता है जब आए थे। माहौल तो बहुत अच्छा है। बच्चों के लिहाज से भी ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ पे अलग ही जगह बनी हुई है किड्स प्ले एरिया, तो वो भी परफेक्ट है। बच्चों के लिए का पार्क बिल्कुल बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद लेक व्यू पार्क में और देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी मज़े की एक्टिविटीज़ अब आगे कर सकते हैं। इस्लामाबाद में ये बहुत ही ज़्यादा पुरसकून पार्क है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ आके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं अपने बच्चों के साथ और व्यू को इंजॉय कर रही हैं, और बहुत ही अच्छा वेदर हुआ हुआ है इस्लामाबाद का। आगे जाके हम लोगों की राय भी जानेंगे कि लेक व्यू के बारे में वो कैसा ख्याल रखते हैं। बच्चों से लेके नौजवान तक और बूढ़े भी यहाँ पर आके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क है और बहुत ज़्यादा सुकून यहाँ पर होता है यार, माहौल तो यहाँ पर बहुत सूटेबल माहौल है स्टूडेंट्स के लिए भी। यहाँ पर बहुत कुछ नज़ारा है भैया, लेक व्यू का जो नज़ारा है ये भी बहुत खूबसूरत है ना। और यहाँ पर बहुत लोग जो आते हैं तो स्टूडेंट्स और ख़ासकर यंगस्टर बहुत इन्जॉय करते हैं। सबसे खूबसूरत तरीन पार्क भी है यहाँ पर, और इन्जॉय करने के लिए मौके बड़े ना यहाँ पर। वो जो बर्ड्स का जो एक पिंजरा बनाया हुआ है इन लोगों ने, और यहाँ पर जो और बहुत से मज़े की जो चीज़ें ना, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के सामने लेक देख रहे होंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है और इसका पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और ये बहुत बड़ी लेक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर किसी फैमिली की हैप्पी बर्थडे भी थी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और अपने बर्थडे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी शादी का कोई इवेंट है वो भी आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह ये, और पीछे पानी देख सकते होंगे जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सफाई का तो बेहतरीन निज़ाम है, फैमिली का भी बेहतरीन निज़ाम है। इधर कोई ऐसा तंग करने के कोई ऐसा मामला नहीं कि कोई फैमिली को तंग करे या कोई ऐसा इशू हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। माशाल्लाह बच्चों के लिए का पार्क बिल्कुल बेहतरीन है। फेवरेट झूला तो मेरा कोई नहीं था, मेरा तो छोट बचपन में बंटे में ज़्यादा खेलता था। लेक व्यू में आके आपको झूले बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज यहाँ पर आती हैं नेचर को एंजॉय करने के लिए, और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है। और आप जब भी हैं अपने बच्चों के साथ हैं, क्योंकि शहरों में रह रहे के वो इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह का व्यू आपको इस्लामाबाद में किसी भी और पार्क में नहीं मिल सकता। इस व्यू को इंजॉय करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ लेक व्यू पार्क आना पड़ेगा। और यहाँ पर सफाई का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत साफ़ सुथरा और पुरसकून पार्क है। ये ज़बरदस्त है, परफेक्ट है, और यहाँ पे कोई इस तरह इशू एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो ज़बरदस्त पार्क है। बच्चों के लिहाज से भी ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ पे अलग ही जगह बनी हुई है किड्स प्ले एरिया, तो वो भी परफेक्ट है। सफाई भी ज़बरदस्त है, सफाई में भी कोई इशू नहीं है, सारे अपना काम करते हैं प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा पार्क में खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। जगह जगह पे आपको टक शॉप मिल जाती हैं जहाँ से आप अपने खाने का सामान ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ अपना टाइम इंजॉय कर रही हैं, खाना खा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो फैमिलीज़ आती हैं जिन्होंने नेचर को इंजॉय करना होता है। झूले वगैरह इस पार्क में बहुत कम है, लेकिन ग्रीनरी और नेचर बहुत ज़्यादा साफ है। यहाँ से आप अपने बच्चों के लिए बलून्स खरीद सकते हैं, उसके अलावा आइसक्रीम खरीद सकते हैं, बर्गर्स वगैरह हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। और बहुत ज़्यादा फैमिलीज आई हुई भी आप देख सकते हैं, बच्चे अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा ग्रीनरी देख रहे हैं आप, सिर्फ ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको लेक व्यू पार्क में मिलेगी। उसके अलावा फैमिलीज़ के बैठने के लिए बेंच वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ने के लिए नमाज अगर आपने पढ़नी है तो मस्जिद भी यहाँ पर है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ यार, रिहाइश तो रवात में है, माहौल तो बहुत अच्छा है। एक और टेक शॉप यहाँ पे देखें, हर तरह की फैसिलिटी लेक व्यू में मौजूद है, हर तरह के खाने जो जो आपको पसंद है आप यहाँ से आके ले सकते हैं, और खाना खाने के साथ साथ ये व्यू आप सब इंजॉय कर सकते हैं। और जो लोग पैदल गेट से यहाँ पार्क तक नहीं आ सकते उनके लिए ये ट्रेन की फैसिलिटी मौजूद है, आप ट्रेन में बैठें और आराम सुकून से पार्क के अंदर आ जाएं, और इसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा कम हैं। लेक व्यू पार्क तो हमारा आज पांचवा दिन है, यहाँ का माहौल सही है, अच्छा खूबसूरत, सही मज़ा आता है जब आए थे। बच्चों के लिए तो बहुत बेहतरीन पार्क, बचपन में मेरा फेवरेट जुड़ा ये किश्ती वाला। लेक व्यू पार्क में अलग से फैमिलीज के लिए प्ले एरिया भी है, और यहाँ अंदर सिर्फ फैमिलीज जा सकती हैं अपने अपने बच्चों के साथ, और अंदर यहाँ पर झूले भी हैं बच्चों के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ फैमिलीज आ रही हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये अलग से लेक व्यू पार्क का पार्किंग एरिया है जहाँ पे आप आके अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, खाने के लिए स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, हर चीज़ हर तरह की फैसिलिटी लेक व्यू पार्क में मौजूद है। ये किड्स प्ले एरिया था लेक व्यू पार्क का जो कि मैं आपको बाहर से दिखा रहा था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के झूले, फैमिलीज अपना टाइम इंजॉय कर रही हैं। इसके अलावा बाइक्स की पार्किंग का निज़ाम भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप आएँ सुकून से अपना बाइक यहाँ पे खड़ा करें, जिसका टिकट सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये है, और टेंशन फ्री होकर पार्क के अंदर जाएं और अपना टाइम स्पेंड करें। और आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।